नमस्कार, माई सेल्फ देवीलाल स्वामी। आज हम फिर से क्लास 12 के लिए जो अकाउंटेंसी का अपना जो लेसन चल रहा है पार्टनरशिप, उसके अंदर आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। पीछे का जो अपना वीडियो था उसके अंदर जो मैंने पढ़ाया था वो आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। उसके आगे जो फेस बचा हुआ है वो भी शुरू कर रहे हैं, तो वो है साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के बारे में शुरू किया था। साझेदारी कई प्रकार की होती है, तो उसके कई प्रकार जो है वो कई आधार पर बनाए गए हैं। जैसे क्या आधार है? दायित्व के अनुसार या दायित्व के आधार पर। दायित्व के अनुसार साझेदारी दो प्रकार की होती है, सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। सीमित दायित्व के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी साझेदारी जो कृत्रिम व्यक्ति मानी गई है, यानी कंपनी के रूप में काम करती है, जिसके अंदर एक जो व्यक्ति होता है उसका दायित्व सीमित होता है। दूसरा होता है असीमित दायित्व वाली साझेदारी। इस साझेदारी के अंदर जितने भी सदस्य होंगे उन सब का दायित्व है असीमित होगा, अर्थात अनलिमिटेड होगा। इसका मतलब ये होगा यदि उस क्रम के अंदर, साझेदारी क्रम के अंदर किसी भी प्रकार से कोई हानि होती है, उस हानि को वे सभी साझेदार अपने निजी जो सोर्स है उनसे वो वहन करेंगे। इसके बाद में समय के अनुसार, समय के आधार पर भी साझेदारी के दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक होता है निश्चितकालीन और एक होता है अनिश्चितकालीन। तो निश्चितकालीन साझेदारी वो होती है जो निश्चित समय के लिए बनाई गई होती है, जैसे एक वर्ष के लिए, दो वर्ष के लिए या छह माह, इस तरह की अवधि के आधार पर बनाई गई साझेदारी निश्चितकालीन। और अनिश्चितकालीन साझेदारी वो होती है जिसका कोई समय निश्चित नहीं होता, जो कार्य खत्म होने पर ही साझेदारी खत्म होती है, उसका कोई टाइम पीरियड पहले से निर्धारित नहीं होता है। इसके बाद की अगर बात करें उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार साझेदारी दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक और विशेष। ऐच्छिक साझेदारी वो होती है जिसकी स्थापना, यानी साझेदारी की स्थापना और उसका समापन पूरी तरह से साझेदारों की इच्छा पर निर्भर होता है। वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको शुरू करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही साझेदारी को समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद में विशेष साझेदारी, विशेष साझेदारी वो होती है जो किसी विशेष कार्य के लिए ही बनाई जाती है, जैसे कि कार्य हो सकता है कोई बड़ा पुल बनाना, सड़क बनाना या इस तरह के जो काम होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो काम होते हैं वो विशेष कार्य होता है। जैसे वो विशेष कार्य होता है, जैसे कोई स्कूल बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाना, जैसे वो बिल्डिंग बनकर तैयार होती है उस साझेदारी भी समाप्त हो जाती है, तो वो विशेष साझेदारी कहलाती है जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाई गई है। इसके बाद की अगर बात करें वैधता के आधार पर, वैधता यानी वैलिड जो होती है उसके आधार पर बात करें साझेदारी दो प्रकार की, वैध यानी वैलिड और अवैध यानी अनवैध। तो इस तरह से कह सकते हैं वैध साझेदारी वो है जो भारतीय कानून के अनुसार, भारतीय अगर बात करें भारतीय कानून के अनुसार बनाई गई साझेदारी, और ऐसी साझेदारी जो भारतीय नियमों और कानूनों का पालन करती हो उसे हम क्या कहेंगे? वैध साझेदारी कहेंगे। इसके बाद क्या आती है? अवैध साझेदारी। अवैध साझेदारी वो होती है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जिस देश में वो साझेदारी चल रही है वह उस देश के कानून का पालन नहीं कर रही होती है, या उसमें कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से साझेदारी अवैध हो सकती है। वो कारण क्या हो सकते हैं? वो कारण हो सकते हैं जैसे कि पहला कारण यह है कि हो सकता है उस साझेदारी के अंदर सदस्य संख्या 2 से कम हो गई हो या 50 से अधिक हो गई हो। इसके अलावा उस साझेदारी के अंदर जो सदस्य है वो किसी शत्रु राष्ट्र का व्यक्ति हो, उसमें सदस्य बन गया हो, या ऐसी साझेदारी का जो कार्य है वो गैर कानूनी हो, अनैतिक कार्य हो जो सरकार जिसे मान्यता नहीं देती। इस तरह के कार्यों को यानी कि अवैधानिक कार्य कहते हैं, और अवैधानिक कार्यों के लिए, गैर कानूनी कार्यों के लिए की गई साझेदारी अवैध साझेदारी होती है। ठीक है, तो ये थी साझेदारी के पीछे के प्रकार। इसके बाद हम बात करें अगला जो टॉपिक आता है साझेदारी का, बहुत ही आसान चीजें हैं, इसको हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान से पढ़ें तो इन चीजों को आसानी से समझा जा सकता है। ये कोई डिफिकल्ट चीजें नहीं है, ये व्यवहारिक चीजें हैं। तो अगला जो टॉपिक आता है वो साझेदारी संलेख, जिसे कहते हैं पार्टनरशिप डील। ये साझेदारी संलेख जो है वो क्या है, सिस्टम जानते हैं कि होता क्या है। तो साझेदारी संलेख एक ऐसा लिखित में दस्तावेज है, लिखित में हमने पहले ही पढ़ा था कि साझेदारों के बीच अनुबंध होता है, अनुबंध से ही साझेदारी का जन्म होता है। तो वो जो अनुबंध होता है साझेदारों के बीच यदि वो लिखित में है तो उस लिखित दस्तावेज को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं।
अर्थात इस तरह से भी कह सकते हैं कि साझेदारों के मध्य जो अनुबंध हुआ है यदि वो लिखित में है तो उसे ही साझेदारी का साझेदारी संलेख नाम दिया गया। अब बात क्या होती है, इसमें क्या होता है, साझेदारी संलेख के अंदर साझेदारी फर्म जो है और उसके अंदर जुड़े हुए साझेदार जो है उससे संबंधित डिटेल होती है, जैसे कि साझेदारी फर्म का नाम क्या है, उस फर्म का उद्देश्य क्या है, उस फर्म में कितनी पूंजी है, उसमें सदस्य कितने अर्थात साझेदार कितने होंगे, उनका लाभ अनुपात क्या होगा, उनको पूंजी पर ब्याज देना, उनसे आय पर ब्याज लेना, उनकी दर क्या हो सकती है, नया साझेदार आएगा तो उससे संबंधित क्या नियम होंगे, यदि किसी साझेदार की डेथ हो जाती है, यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उससे संबंधित नियम क्या होंगे। इसके अलावा साझेदार के अंदर जो पूंजी खाते रखे जाते हैं उनकी विधियां क्या होंगी, इससे जुड़ी हुई सारी की बात सारी बातें जो होती है वो इस साझेदारी संलेख में लिखी होगी। मतलब ये दस्तावेज है, सीधा सा मतलब दस्तावेज है और लिखित में है, तो इस तरह से ये है साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख को आप लेंगे लिखित में दस्तावेज है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि साझेदार ये चाहे कि साझेदारी फर्म के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो तो उस विवाद उन विवादों से बचने के लिए उनको जो अनुबंध है साझेदारी के अंदर वो लिखित में ही बनाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो। अगर वो चाहे तो उस अनुबंध को मौखिक भी बना सकते हैं, और मौखिक में बनाने से कई नुकसान होते हैं जो उनको साझेदारी के अंदर बहुत सारे विवादों को जन्म दे सकते हैं, इससे बचना चाहिए, इसलिए साझेदारी संलेख लिखित में दस्तावेज है। इसके बाद अगर बात करें एक चीज और आती है, यदि कोई फर्म साझेदारी फर्म यदि साझेदारी संलेख को नहीं बनाती है, यानी अनुबंध तो बनाना पड़ेगा साझेदारी को, फर्म को क्या बनाना पड़ेगा, अनुबंध तो जरूरी है, पर अनुबंध क्या होना जरूरी नहीं है, अनुबंध लिखित होना जरूरी नहीं है, अनुबंध लिखित हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि साझेदारी संलेख किसमें हो, लिखित में हो, तो मौखिक भी हो सकता है, लिखित में होगा तो वो संलेख कहलाएगा। अनुबंध अनुबंध है दोनों हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं, परंतु दोनों ही यानी कि संलग्न है, कानून के अनुसार दोनों को ही क्या है, मान्यता है। पर कई बार क्या होता है, साझेदार क्या करते हैं, अनुबंध मौखिक कर लेते हैं, और अनुबंध जब मौखिक होता है तो उसके अंदर क्या होता है, कई विवाद आ जाते हैं, तो उन विवादों को कैसे सुलझाया जाए, उसको एक मतलब तथ्य रूप में कहते हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या है। तो साझेदारी संलेख के अभाव का मतलब है साझेदारी का अनुबंध जब लिखित में न होकर के मौखिक होता है तो उसके बीच में कई बातें हमारे सामने निकल कर आएंगी कि साझेदारी संलेख के अंदर जब लिखित में नहीं मौखिक हो तो क्या होगा। तो उसके अंदर सबसे पहली बात यह आएगी, एक तो अगर हम बात करें अगर हम कॉपी लिखी तो हमारा दोस्त ये बनता है साझेदारी संलेख अभाव के नियम क्या हो सकते हैं। तो साझेदारी संलेख के अभाव के नियम ये हो सकते हैं, नंबर एक नियम ये होगा कि सभी साझेदारों को लाभ जो हानि है, लाभ हानि बराबर बराबर बांटी जाएगी। कब, जब अनुबंध लिखित में नहीं होगा, यानी कब, मौखिक में, उसको क्या कहेंगे, साझेदारी संलेख के अभाव के नियम कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि लाभ हानि हुई तो बराबर बांटेंगे। दूसरी बात ये होती है कि किसी भी साझेदार को जो पूंजी पर ब्याज होता है, पूंजी पर ब्याज या आहर पर ब्याज, आहर पर ब्याज आदि देय नहीं होगा, यानी पूंजी पर ब्याज, आहर पर ब्याज, वेतन भत्ते, बोनस आदि किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा जाएगा, ये नियम लागू हो जाएगा। इसके अलावा की बात करें, यदि साझेदार क्या देते हैं, फर्म को ऋण देते हैं, तो उस ऋण पर क्या होगा, 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, ये ब्याज देना जरूरी है। कब, जो साझेदारी संलेख किसमें हो, मौखिक लिखित में नहीं हो। इसके अलावा फर्म के जितने भी सदस्य हैं वो फर्म के जो खाता बही है उनको देख सकते हैं, फर्म की जो लेजर होती है उनको देख सकते हैं, फर्म के अंदर जो बैठकें होती हैं, मीटिंग होती है उनमें लोग क्या ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो साझेदारी फर्म में अपने आप ही क्या है, लागू हो जाती है।
पक्व है तो साध्यकारी संलेख किसमें नहीं हो, लिखित में नहीं हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साध्यकारी संलेख मौखिक हो सकता है। यदि मौखिक होगा तो उसे बोलेंगे साध्यकारी संलेख का अभाव है, अभाव है तो ये बात इसमें लागू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि साध्यकारी के अंदर जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही आसान है, इजी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ढंग ज्ञान रखें, थोड़ी सी मेहनत करें। उस मेहनत के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, साध्यकारी का ये जो टॉपिक है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो 12वीं की क्लास है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके अंदर अच्छे नंबर इसके अंदर ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आगे का जो टॉपिक है उसके लिए हम अगले वीडियो के अंदर ये बात करेंगे। धन्यवाद।